दोस्तों, अगर आप Redmi 6A के यूज़र्स हैं तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फाइनली 10.4 का स्टेबल अपडेट Redmi 6A के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, वो भी दोस्तों एंड्रॉयड पाई के साथ में। जी हाँ दोस्तों, 10.4 की दोस्तों पहली सीरीज़ है जो कि Redmi 6A के लिए रोल आउट हो चुकी है, जो कि एंड्रॉयड पाई बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी, यहाँ पर लिखा हुआ है PCB, यानी कि दोस्तों पी का मतलब जो है पाई। और यहाँ पर आप साइज़ भी देख सकते हैं, 1.3 GB का इसका साइज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज लॉक के अंदर लिखा गया है स्टेबल MIUI वर्जन, यानी कि स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉयड पाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 6A के अंदर बजट स्मार्टफोन है, फिर भी यहाँ पर एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल चुका है, जो कि दोस्तों और वो भी 10.4 की सीरीज़ के साथ में। तो दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास Redmi 6A है तो आप उसको जो है सेटिंग्स के अंदर जाके, सिस्टम अपडेट के अंदर जाके जो चेक कर सकते हैं, आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो जल्दी दोस्तों 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। ठीक है, एंड्रॉयड पाई यहाँ से Redmi 6A के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप जो है ऑटोमेटिक अपडेट आ जाएगा आपके पास। तो 2 से 3 दिन का आप जो है वेट कर लीजिएगा, Redmi 6A के अंदर आपको 100% एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूज़र्स को मिल चुका है, 100 में से दोस्तों 80% लोगों को यहाँ पर अपडेट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, Redmi 6A के अंदर एंड्रॉयड पाई का अपडेट, तो दोस्तों आप अपडेट कर लीजिए, हो सकता है के अंदर आपको कैमरा 2 API का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि कैमरा 2 API एंड्रॉयड पाई के अंदर सपोर्ट करता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एंड्रॉयड पाई का अपडेट है, 10.4 की सीरीज़ है, तो आप अपडेट कर लीजिए अपने Redmi 6A को। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, अगर आप Redmi 6A के यूज़र्स हैं तो उसको आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।